कहेंगे कि मतलब जो नहीं ट्राई किया उनको जरूर खाना चाहिए, नहीं भी खाए वो भी आके बिल्कुल खाना चाहिए जो खा रहे हैं। कहाँ चाहे खाने के लिए, और यहाँ पे हाथों से लिट्टी को देखते थे सेका जाता है और यहाँ पे गर्मा गर्म यहाँ पे एकदम निकाला जाता है और यहाँ पे घी वाली लिट्टी को तैयार किया जाता है। देख सकते अच्छी तरीके से पूरा एकदम देख सकते कोयला के आँच में यहाँ पे एकदम लिट्टी बनता है और एक और यहाँ पे देख सकते घी वाला आपको एकदम लिट्टी मिलने वाला लोगों के लिए अच्छी तरीके से पूरा सर्व होता है एकदम प्याज व्याज साधन मिलने वाला आपको एकदम। बारह रुपये सर दुकान है 1956 से है, 1956 से दुकान आपका। हाँ जी, फिर भी कितना टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा मिला है अंदर से थोड़ा सा सावन आ चुका है और काफी दिन से वीडियो मेरा नहीं आ रहा था तो आज से सिर्फ नॉन वेज की जगह सिर्फ आपको ज्यादातर सिर्फ वेज दिखाने वाले हैं। तो अभी आ चुके हैं पटना जंक्शन और पटना जंक्शन में इस टाइम मैं हूँ पुरानी लिट्टी की दुकान जो चौरसिया जी का और 1956 से इनका दुकान है और काफी ये पुराना दुकान है और यहाँ पे लिट्टी बनता है सिर्फ लिट्टी का जो टेस्ट रहता है सादा लिट्टी और घी वाला लिट्टी बनता है तो टेस्ट रहता है। काफ़ी लोग दूर दूर से आते हैं खाने के लिए, किस तरह से यहाँ बनाते हैं किस तरह से यहाँ पे टेस्ट रहता है पूरा आपको मेकिंग दिखाएंगे। तो मेरा नाम है अनीश और आप देख रहे हैं अनीश ब्लॉग। चैनल पर नए तो चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलते लोकेशन आपको किलो नंबर 6 पटना जंक्शन के पास आपको नहीं पा पाइएगा तो पुरानी लिट्टी की दुकान मिलने वाला और यहीं पर बढ़िएगा तो आपको मिलेगा चौरसिया जी की लिट्टी दुकान जहाँ पर आपको ऊपर चढ़ के आपको दिखा देते हैं और ऊपर आइएगा तो आपको मिलेगा यहीं पे थोड़ा सा चलना पड़ेगा और चढ़ते हुए आप आइएगा तो यहीं पर आपको मिलेगा चौरसिया जी का लिट्टी दुकान जो काफ़ी पुराना दुकान है इनका और यहाँ पे हाथों से लिट्टी को देखते थे सेका जाता है और यहाँ पे गर्मा गर्म यहाँ पे एकदम निकाला जाता है और यहाँ पे घी वाली लिट्टी को तैयार किया जाता है। देख सकते अच्छी तरीके से पूरा एकदम देख सकते कोयला के आँच में यहाँ पे एकदम लिट्टी बनता है और एक पीस लिट्टी आपको एकदम 12 रुपये मिलने वाला है और यहाँ पे एकदम काफ़ी फेमस यहाँ का लिट्टी है। देख सकते आप आइएगा और यहाँ पे देख सकते हैं लकड़ी में अच्छी तरीके से यहाँ पे बना के लिट्टी को सेका जाता है और यहीं पे देख सकते हैं गर्मा गर्म लिट्टी एकदम बनाया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे एकदम आपको एकदम सामने मिलने वाला एकदम लिट्टी और इस साइड घी वाले लिट्टी को देख सकते हैं मिलाया जा रहा है अच्छी तरीके से पूरा। देख सकते हैं घी को एकदम ओरिजिनल एकदम शुद्ध घी मिलने वाला है यहाँ पे। देख सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के लिए एकदम सर्व हो जाता है और यहाँ पे इनका बड़ा सा देग में चोखा बनता है काफ़ी देख सकते हैं ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे चोखा बनता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काफ़ी गाढ़ा दम यहाँ पे आपको चोखा मिलने वाला एकदम। देखते हैं आलू बैगन टमाटर की जैसे एकदम गाढ़ा दम चोखा मिलने वाला है। देख सकते हैं टेस्ट जो रहता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एकदम चोखा बनाते हैं और यहाँ का टेस्ट भी काफ़ी अच्छा रहने वाला एकदम चोखा का। और यहाँ पे इनका बड़ा सा देख में देख सकते हैं अरे यार और यहाँ पे देख एकदम घी वाला आपको एकदम लिट्टी मिलने वाला लोगों के लिए अच्छी तरीके से पूरा सर्व होता है एकदम प्याज व्याज साधन मिलने वाला आपको एकदम 12 रुपये एकदम पीस मिलने वाला लिट्टी। क्या नाम आपका? मेरा नाम श्रीकांत हुआ। कहाँ से आए खाने के लिए? पटना से ही। पटना से है, क्या लिया? लिट्टी लिए। लिट्टी लिए ना घी वाला सादा सब सर्व सब। कैसा टेस्ट रहता है यहाँ का? कहने का तो बात ही नहीं है, मतलब बहुत दिनों से मतलब लगता है कि जब से स्टूडेंट लाइफ से पटना आना जाना हुआ है। कितना साल से खा रहे हैं? 20 साल हो ही गया होगा सर। कितना? 20 साल। 20 साल से खा रहे हैं लिट्टी, देख सकते हैं 20 साल से खा रहे हैं और खाने के बाद आपको किसी भी तरीके का ये नहीं लगेगा, बात समझ आए ना, कोई पेट में अनपच हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह का कुछ मिलने वाला है। हाँ शुद्ध है, एकदम शुद्ध है, शुद्ध है और जैसा टेस्ट था वैसा टेस्ट है, जैसा टेस्ट मिलेगा। हाँ वैसा ही है। जो लोग दूर से देख रहे हैं उनको कहिएगा खाने के लिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ इस साइड देख सकते हैं लिट्टी खा रहे हैं। क्या नाम आपका? राजीव रंजन। राजीव रंजन कितना साल से खा रहे हैं? हम तो 15 साल से खा रहे हैं। 15 साल से खा रहे हैं। टेस्ट कैसा है? देखिए साफ सुथरा माल है, कभी इसमें कोई सोडा वोडा कुछ नहीं डलता है। सादा लिट्टी हम मिलने वाले हैं। हाँ सादा मिलता है। क्या बोल रहे हैं? सादा लिट्टी हम मिलने वाले हैं। सादा लिट्टी, कोई तरह का मिलावटी नहीं है, सही मात्रा में है, सत्तू का स्वाद बेहतरीन है, उसमें आपको गोलकी लहसुन का फ्लेवर आएगा, सरसों का तेल का फ्लेवर आएगा और यहाँ पे जो है हम तो कहेंगे कि मतलब जो नहीं ट्राई किया उनको जरूर खाना चाहिए। नहीं भी खाए वो भी आके बिल्कुल खाना चाहिए जो खा रहे हैं। कहाँ से आए खाने के लिए? हम तो भैया यहीं रहते हैं, हम गर्दनी बाग में रहते हैं खाने के लिए और यहाँ हम खा रहे हैं बचपन से खा रहे हैं। और बचपन से खा रहे हैं? जी जी। थैंक यू बताने के लिए। बताएं तो 15 साल समझ ही सकता और टेस्ट कर रहे हैं। नाम सुने तो कह रहे थे सही में एकदम टेस्ट मिला लगा। और इस साइड हमारे लिए लिट्टी आ चुका, देख सकते काफ़ी अच्छी तरीके से प्लेट में सर्व कर दिया, एकदम साइज देख सकते एकदम बड़ा बड़ा एकदम साइज मिलने वाला लिट्टी का और काफ़ी एक कड़ा है और ये अंदर से पूरा एकदम नरम मिलने वाला देख सकते एकदम लिट्टी। और देख सकते आप एकदम दिखाने एकदम सत्तू पूरा एकदम भरा हुआ है और देख सकते चोखा जो मात्रा काफ़ी ज़्यादा एकदम चोखा एकदम मिलने वाला है और इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा यहाँ पर टेस्ट रहता है।
तो यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं, एकदम देख सकते एकदम टूट गया था, देखने में एकदम कड़ा लगा था, सॉफ्ट था, ये टूट चुका है। और यहाँ पे टेस्ट जो है काफ़ी अच्छा मिला है, अंदर से थोड़ा सा एकदम सब्जी दम आपको एकदम भरा मिलने वाला। और यहाँ पे चोखा भी दम आपको एकदम आलू बैगन टमाटर एकदम काफ़ी अच्छा दम मिलने वाला है। आ चुके हैं दुकान के ऑनर के पास। सबसे पहले क्या नाम है आपका? अजय कुमार चौरसिया। अजय कुमार चौरसिया, कितना साल से आपका सर दुकान है? 1956 से है। 1956 से दुकान आपका है? हाँ जी। फिर भी कितना हो जाएगा जी? क्या 1956 से? हाँ 1956 से आज तक सेवा कर रहे हैं। 2023 तक, 2023 तक यहाँ पे मिलने वाला। और यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला? लिट्टी के अलावा भी क्या मिलता है? सिर्फ लिट्टी चोखा, उसके साथ ढेर सारा प्यार, ढेर सारा प्यार देने वाले यहाँ पे। काफी चोखा भी इनका काफी अच्छा रहने वाला है। और टाइमिंग में थोड़ा बता दीजिए। 11 बजे से शाम 7 बजे तक। 11 बजे से 7 बजे तक शाम। ये न्यू मार्केट एरिया है, न्यू मार्केट जामा मस्जिद, महावीर मंदिर के बगल में जामा मस्जिद है, उसके अपोजिट में पिलर नंबर 6 के पास, चौरसिया जी के पुरानी पिलर नंबर 6 के पास मिलने वाला है। हाँ पुरान पुरान चौरसिया जी की पुरानी लिट्टी दुकान। किसी से भी पूछेगा आप, मतलब जो भी पूछेंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, काफी फेमस इनका लिट्टी है। हाँ जी, थैंक यू बताने के लिए। अब यहाँ पे हो रहा है इनका, देख सकते हैं लौंग लत्ता को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। काफ़ी यहाँ पर फेमस जो है मिठाई इनका तो मिलने वाला है, और आप काफ़ी यहाँ पे अच्छी तरीके से तो मिलता है एकदम। और जो लोग ये मिठाई खाना चाहते हैं तो यहाँ पे आकर विजिट करें एक बार एकदम, काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जाता है। और काफ़ी दम देख सकते हैं काजू वजू एकदम ड्राई फ्रूट के साथ दम इसको सर्व एकदम बना के अंदर मैदा के साथ दिया जाता है, और काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ बनता है।